में मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, सबकी दुआओं से। तो आज की जो वीडियो है वो जिस बारे में भी है वो तो मैं आपके आगे चल के बताऊँगी ही, लेकिन उससे पहले आपके साथ कुछ गपशप हो जाए। तो मैं कहना ये चाह रही थी, मैं आपके साथ हमेशा वो ही बात करना चाहूँगी जो मेरे से रिलेट करती है। तो वो कुछ ये है कि हम जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं, जब भी हम चाहते हैं कि हम कुछ करें आगे बढ़ें ज़िंदगी में, तो हमें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो हमें डिस्करेज करेंगे, हमें कहेंगे कि नहीं ये तुम क्या कर रही हो, ये कैसे कर रही हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम तो ये कभी कर ही नहीं सकती। तो करना क्या है कि हम लोगों ने उनकी बातें नहीं सुननी है, हमने बिल्कुल भी उनकी बातें नहीं सुननी है। अगर आपका इरादा अच्छा है, सच्चा है, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो बस फिर आप अपने काम में साबित कर रहे और बिल्कुल भी उनकी बातों पे बिल्कुल भी गौर मत करें। तो मैं खुद भी ऐसी हूँ, मैं फटाफट से जब भी किसी की बात सुनती हूँ तो मैं एकदम से दिल हार जाती हूँ कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना, बस ऐसे तो बस ऐसे। लेकिन अब मैंने अपने आप में चेंज लेकर आया है कि नहीं, अब मुझे दुनिया का तो काम है बातें करना, तो वो तो करेंगे, लेकिन अब मुझे कुछ करना है किसी की भी बात सुने बगैर। और बस एक कान से सुनना है, अल्लाह ने कान दो इसीलिए बनाए कि आप एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। तो बस यही थी मेरी आज की बात। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो थोड़ा सा वीडियो के बारे में भी हो जाए, ज़्यादा बातें किए बगैर और ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो है मेरी आज कुछ बालों से रिलेटेड, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मेरे बाल बिल्कुल रफ बहुत ही बुरे, और नहीं अभी तो मैं मास्क लगाया है इनको, और अभी तो देख सकते हैं हम कितना शाइन कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं क्योंकि रेमेडी बहुत ज़बरदस्त थी। तो चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ, और आपने उसको ट्राई करना है और आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि ये आपको रेमेडी कैसी लगी। बहुत फेमस रेमेडी है, बहुत सी यूट्यूबर्स ने भी इसको बताया है और बहुत से लोगों ने इसको ट्राई भी किया, तो उनमें से अब एक मैं भी हूँ और मैं भी करूँगी इसको ट्राई और फिर आपको बताऊँगी कि ये कैसी रही थी। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपना मास्क, और मास्क बनाने के लिए चाहिए मुझे एक अदद स्पून और एक बहुत प्यारी सी कटोरी। ठीक है, आप चीनी की ले लें, प्लास्टिक की ले लें और स्टील की ले लें, जिसका आपका दिल करता आप ले लें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बनाना मास्क। और मास्क बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक अंडा, तो हम पहले इसको तोड़ेंगे और फिर इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये मैंने अंडे को तोड़ा और इसके अंदर मैंने कर दिया इसको शामिल। हाँ, तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से इसके अंदर आ चुका है अंडा। हाँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, आप इसको हम कर लेंगे मिक्स, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, इसको मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है दही, चार चम्मच दही, एक चम्मच, उसके बाद ये रहा हमारा दूसरा चम्मच, उसके बाद ये रहा हमारा तीसरा चम्मच, उसके बाद ये रहा हमारा चौथा चम्मच। तो ये हमने चार के अंदर चम्मच दही के डाले। कोशिश करें कि आपका दही थोड़ा सा मोटा, जो दही होता है ना घर का दही, तो वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। आप बाज़ार का दही ले लें, लेकिन मैंने घर का दही लिया था क्योंकि मेरे घर का दही भी ठीक था, अच्छा वाला था, यानी कि सही था, इतना पानी पानी वाला नहीं था। तो इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसको मिक्स करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है वो है लीमू, एक अदद लीमू, ये एक चम्मच हमने इसके अंदर शामिल करना है और तकरीबन एक लीमू एक स्पून के मुताबिक ही होगा। ये हम इसके अंदर स्क्वीज कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और ये रहा दूसरा हिस्सा इसका, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसको करेंगे मिक्स 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 मिक्स। ठीक है, इसको मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। ऐसे का ऑलिव ऑयल, इसका हम एक टी स्पून इसके अंदर डालेंगे, एक चम्मच हमने भर के लिया इसका, तो हमने इसके अंदर
अब मैं करूँगी इसको अच्छी तरह से मिक्स। जी तो यहाँ पर ये मेरा जो मास्क है हो चुके थे और उसकी कुछ कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, बहुत ही रनी है, बहुत ही वाटरी है और बहुत ना ये तो रनी वाटरी यही होता है ना, बस यही है। तो इसको अब मैंने कर लिया अच्छी तरह से मिक्स और अब हम इसको करेंगे अपने बालों पर अप्लाई। तो यहाँ पर मुझे मास्क लग चुका है और अब मैं क्या करूँगी, अब इसको मैं कर लूँगी थोड़ा सा ऐसे कवर कवर करके मैं इसको कर लूँगी पिनअप। पिनअप करने के बाद तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है पिनअप, लाइक जूड़ा बना लिया है। जूड़ा बनाने के बाद यहाँ पर है मेरे पास एक चॉपर और इस चॉपर को हम क्या करेंगे यूँ करके अपने बालों पे कवर कर लें। अगर आपके पास शावर कैप है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको कर लूँगी कवर और इसके बाद हम करेंगे 15 मिनट वेट और उसके बाद मैं आती हूँ। जी तो यहाँ पर मैं ले चुकी हूँ शावर और शावर लेने के बाद मेरे बालों की हालात कुछ इस तरह से हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, गीले गीले हैं बिल्कुल, अभी मैंने इनको कुछ भी नहीं किया है, जैसे मैंने वॉश किए हैं वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन अभी एक दफ़ा पास देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा शाइन आई है, काफ़ी ज़बरदस्त, मुझे तो रेमेडी बड़ी ज़बरदस्त लगी है। और इसके बाद मैं अब आपको ज़रा बाल को ड्राई करके नहीं नेचुरली ड्राई करूँगी इनको और उसके बाद इनको मैं स्ट्रेट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ वापस अपने बालों को जो मैंने नेचुरली ड्राई किया था, मैंने इनको ड्रायर से ड्राई नहीं किया और उसके बाद मैंने इनको लगाया स्ट्रेटनर। उसके बाद आप मेरे बालों के हालात देख ही सकते हैं, माशाल्लाह से इतनी शाइन है इनमें कि ये रेमेडी तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। तो आपने भी ज़रूर इसको ट्राई करना है, ट्राई करनी है। तो मेरी वीडियो यहीं तक की थी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और यहाँ तक ही थी, दुआ में याद रखना, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और वेट करते रहे मेरी नेक्स्ट वीडियो का। बाय बाय।